श्रीनाथादि गुरुत्रयम् त्रिपीठत्रयम् भैरव सिद्धौ पटुत्रयम् पदयोगम् व्यतिक्रमम् अनन्तम् वीराणि सुशेषणम् वीरावलि दर्शनम् श्रीमन्माय मन्त्रासेकम् वन्दे गुरोर्मदन। हम परम पुण्य सद्गुरुदेव स्वामी कृष्णाजी के चरणों में नमस्कार करते हुए इस विजय दुर्गा साधना शिविर का आरंभ कर रहे हैं। हर अवतार में देखा जाता है ये काली भी, चाहे महाकाली हो, दशमहाविद्या शिवजी हो, भगवान विष्णु हो, उन्होंने समय समय पर अवतार लिए। वैसे दुर्गा माता जी ने भी महिष मर्दिनी के नाम से, कनक दुर्गा के नाम से, विजय दुर्गा के नाम से, दुर्गा के नाम से, दुर्गतिनाशिनी के नाम से अपने अपने अवतार लिए हुए हैं। समय के अनुसार भक्त के पुकार पर वो अपने अवतार लेते हैं या भगवान के अपने अवतार लेते हैं। हम अगर गुरु परंपराएं भी देखते हैं तो बहुत सारी गुरु परंपराएं ऐसी हैं जो एक से एक को मेल नहीं खाती। हम अगर संत कबीरदास जी की बात सुनते हैं तो वो रोज जुलाई का अपनी टोपी सीते थे, जिसका पैसा आता था उसके साथ अपना जीवन निर्वाह करते थे। वो भिक्षा मांगने के खिलाफ थे, भिक्षा नहीं मांगना चाहते। लेकिन अगर हम साईं बाबा की परंपरा में जाते हैं तो भिक्षा मांग कर खाते थे। बहुत सारे ऐसे संत हैं जिन्होंने भिक्षा मांग कर खाई और अपना निर्वाह किया, लेकिन दोनों ने भी लोक कल्याण किया। हम अगर प्रभु रामचंद्र जी को देखते हैं तो एक पत्नी व्रत है, उन्होंने अपने जीवन में एक पत्नी व्रत किया, रावण को मारा, महान हुए। वही अवतार श्री कृष्ण में आते हैं तो 8 भार्या हुई, 16,000 गोपिकाएं। हम रामचंद्र जी के का अनुसरण करें या भगवान कृष्ण का अनुसरण करें, ये प्रश्न हमारे मध्य होता है। बहुत सारे लोग हमारे में कहते हैं कि तुम्हारे 33 कोटि देवता, हमारे 33 कोटि देवता हुए क्यों? क्योंकि हमारी परंपरा बहुत पुरानी का मतलब सनातन धर्म के अनुसार हमारा सत्ययुग 16 लाख वर्ष कहलाता है, उसके बाद त्रेतायुग 12 लाख वर्ष कहलाता है, द्वापर 8 लाख वर्ष और कलयुग 4 लाख वर्ष कहलाता है सामान्यतः। और इन 4 युगों को मिलाने पर ब्रह्मा का 1 दिन बनता है। ऐसे ब्रह्मा के 100 दिन होने के बाद हमारा दूसरा कल्प आरंभ होता है। अब आप ही विचार करो, 16 और 12, 28 और 8, 37 और 4, 40, 40 लाख वर्ष का ब्रह्मा का 1 दिन हुआ तो उनके 100 दिन हुए। हमारे पास अगर हम सोचा जाए तो आज हम भगवान जीसस क्रिस्ट की बात कहते हैं, कितने 2000 BC है, बिफोर क्रिस्ट 2000 साल में एक जीसस क्रिस्ट बोल पैदा होते हैं, तो हमारे 40 लाख में कितने देवता पैदा हुए? और ऐसे युग में एक ब्रह्मा का 100 दिन लगाए तो 40 करोड़ में तो 33 करोड़ देवताएं होना कोई बड़ी बात नहीं है, होते ही होते हैं, हमारे में अब हो रहा है। ये बात अलग है कि हमें याद नहीं। एक ट्विटर में प्रश्न आया था, आजकल कंप्यूटर में हो रहा है, तो उसने ऐसा ही प्रश्न किया। मेरे पास एक शिष्य भागता हुआ आया, गुरुजी एक धार्मिक आदमी ने एक प्रश्न पूछा है, तुम क्या हिंदू लोग है? बोले तुम एक बार बताओ तुम्हारे 33 कोटि देवताओं का नाम क्या है? 1 कोटि देवता का नाम भी नहीं मालूम, सीधे सीधे 33 कोटि देवताओं के बारे में बोलते हो। अब मुझे लगा कि वो आया गुरु जी, उसने तो ऐसा प्रश्न कर दिया, आप कुछ बोलो, अब उसको तो हम जवाब नहीं दे सकते, उसने 33 कोटि देवताओं के बारे में। बोला उसको एक बार तो मेरे पास भेज दे, मैं उसको देवोच, लेकिन शर्त यह है कि वो मेरे साथ घूमे। नहीं गुरु जी, वो ऐसा ऐसा कम से कम उसको तो कुछ तो कुछ बोलना ही चाहिए। बोला हमारे देवताओं के नाम उसको अगर समझाना शुरू कर दूं तो गली से आरंभ करता हूँ। हमारे चौखट लक्ष्मी देवता है, ऊपर गणेश जी है, घर के दरवाजे में घुसते हैं, अंदर जाते हैं तो दीवार को भी हम पंचरंग पाते हैं, वो भी दीवार भी देवता है, हमारा घर भी देवता है, घर के आंगन में तुलसी है देवता है, पीपल का वृक्ष देवता है, बड़े का वृक्ष देवता है, फर्श में जाओ तो देवता है, हम नहान नदी की पूजा करते हैं वो देवता है, तालाब की पूजा करते हैं वो देवता है, गाय का गोबर देवता है, हमारा गाय का
देवता है, गाय देवता है, घोड़ा देवता है, बकरी देवता है, हर पल देवता देवताओं को मेरे साथ आओ। ये गांव में घूमा हो तो तम तंग आ गया कि इस यहाँ हजार देवता तो नहीं हो गए, अब पूरा भारत घुमाऊंगा तो 3300 देवता तो हो ही जाएंगे। ऐसा बताओ कि हम किसको देवता नहीं कहते। हमारे पास घोड़ा गधा से लेकर देवता है, गधा भी माता माता कालरात्रि का वाहन, मुर्गा भी वाहन। अब हमारे हमारे देवता को तुम गिन ही नहीं सकते। पेड़ नदी से पानी से लेकर कुएं को भी हम पूजा करते हैं, कुआ भी हमारा देवता है। अब आप आओ, आप हमारे 3300 देवता नहीं और ज्यादा देवता हो सकते हैं हमारे। वो एक गाँव के देवताओं को बताने के लिए रूटीन बस करो यहाँ, हम चौराहे पर खड़े होते हैं तो चौराहे पर भी एक सीढ़ी लेके उस देवता का नाम बताते गया। बोला गुरु जी 33 कोटी नहीं ज्यादा ही होंगे, 40 कोटी देवता तो आपके जरूर है, फिर आप मेरे से क्यों पूछे, तुम्हारे देवता ही हो सकते हैं। देवता उसे कहते हैं जो देने वाला है, हमारा को छाया देता है क्योंकि उसे हम देवता कहते हैं। तुलसी का पत्ता निकाल कर खाओ तो खांसी बंद हो जाती, वो हमारे देवता है। हमारे रोगों को निवारण करने वाले, नदी को हमारा नदी का जल हमें शुद्ध करने वाले, सारे हमारे लिए देवता है। समुद्र है जो आसमान में बादल निर्माण करता है, बादल से वर्षा होती है, हमारे पास देवता का नाम लेते हैं। ईंट को खड़के ईंट को भी हम पूछते हैं, चौखट को भी पूछकर रंगोली डालकर अंदर जाते हैं। हम पलंग रखते हैं, पलंग रखने से पहले मुहूर्त देखते हैं, हमारे काल का देवता है। इन सारी चीजों को केवल 27 नक्षत्र अलग है, 9 ग्रह अलग है, फिर सूर्यचंद्र अलग है, फिर हमारे नक्षत्रों के ऋषियों के नाम अलग है। अभी कितने देवताओं के नाम सुनाओ बोलो, एक ही सूर्य तुम नाम लिखते जाओ मैं बोलते जाता हूँ। बोला कम हो गया, सच है गुरु जी आपके पास देवताओं की, हम मिट्टी की भी पूजा करते हैं। अगर हमारे पास देखा जाए, हमारे भारत की विशेषता ही हमारा धर्म यू ही नहीं हुआ। हम कहते हैं कि ब्राह्मण वैश्य वैश्य क्षत्रिय शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहते हैं, हम मिट्टी को भी इन रंगों से बदला देते हैं। आप उत्तर प्रदेश में जाओ तो मिट्टी सफेद मिलेगी आपको, राजस्थान में जाओ तो लाल मिट्टी मिलेगी, क्षत्रियों की राजधानी आज भी राजपूत है। कलकत्ता के जाओ तो पीली मिट्टी मिलेगी, वैश्य श्रेष्ठ है। हमारे दक्षिण की तरफ जाओ तो काली मिट्टी की शूद्र देवता। हम मिट्टी की पूजा करते हैं, जहां होती है हम ये मिट्टी के रंग भी बदलते हैं, पानी के रंग भी बदलते हैं, नदी के रंग भी बदलते हैं हमारे पास, और हम इन सारी चीजों को पूजा करते हैं। हमारे पास किसी वृक्ष की टहनी को लाकर अगर उसका आयुर्वेद में डाला जाए तो वृक्ष की पूजा की जाती है, उस वृक्ष को पूजा करके ही जाते हैं। इस प्रकार अगर तुम वृक्षों की, नदियों की, तालाबों की, घर के इनका नाम आप लिख सको तो हमारे 33 कोटी देवताओं के नाम मिल जाएंगे। ऐसी चीज हमारे पास कोई नहीं है। हम हर धातु की भी पूजा करते हैं, सोने की भी पूजा करते हैं, लक्ष्मी के नाम। ये बात अलग है, आजकल का जमाना तो अलग हो गया है। अपने घर में गाड़ी भी आ गई तो गाड़ी की पूजा कर देते हैं हम, टीवी आ गई तो टीवी की भी पूजा करते हैं। अब टीवी को कौन से देवता का नाम दे, ये बात अलग है। क्योंकि हमारी श्रद्धा हमारे को जो देता है उस देने वाले को हमारे को पूजा करते हैं, हमारे को जो दिया वो देवता है। तो इस प्रकार मेरा कहना यह था कि हमारे देवताओं के मार्ग में देवताओं को हम बहुत सारे देवताओं को जो दिया उसको आज भी अगर तुम्हें कोई सहायता करता है तो उसे कहते हैं तुम मेरे लिए भगवान, तुम मेरे लिए देवता हो, तुमने मेरे को मेरे कष्टों में सहायता की तो उसके लिए वो देवता हुआ। आज हमारे ग्राम देवता है, अगर ग्राम देवता लिखे जाए तो हर ग्राम में एक देवता कोई ना कोई माता के रूप में रहेगी। आप उड़ीसा में जाओ तो अलग ग्राम देवता है, हमारे प्रभाव तो अलग देवता है, यहाँ आओ तो अलग ग्राम देवता है। इन छोड़ को, इन सभी को छोड़कर तो देवताएं अलग अलग बनी हुई, और इनकी रक्षा किस तरह की जाए, इनकी पूजा आज भी हमारे पास। आप अगर महाराष्ट्र में जाते हैं तो वर्धा के पास रावण गांव नाम का रावण गांव, मैं बोला ऐसा कहता भाई यहाँ रावण गांव ये क्या नाम है, बोले गुरु जी हमारे पास कोई घर में कार्य वगैरह हो तो पहले रावण पूजा की पूजा करके नैवेद्य बताते हैं, बाद में शादी करते हैं, नहीं तो शादी में कोई विघ्न आ जाता है। बोले रावण की पूजा, हाँ एक जमाने में रावण यहाँ शिवलिंग की पूजा करने आया था, यहाँ बैठा था। तो अब रावण जिसे हम जलाकर मारते हैं उसकी भी पूजा होती है तो हम कहाँ के सिद्ध है, बोले हम शत्रु की भी पूजा करते हैं, मित्र की भी पूजा करते हैं। इस हद तक हमारा हमारी पूजा का विधान है तो हमारे देवताओं का लिस्ट अगर हम बताएं तो बहुत कम लग जाएगा। इस प्रकार हम आगे बढ़ते बढ़ते हम यहाँ आए। आज सभी के बारे में इसलिए बता रहा था कि दुर्गा देवी के बारे में आए तो दुर्गा देवी स्वयं राम, प्रभु रामचंद्र जी विष्णु अवतार थे, परशुराम जी विष्णु अवतार थे और कृष्ण भी विष्णु अवतार थे। लेकिन रामचंद्र जी जब रावण के साथ युद्ध करने गए तो महर्षि अगस्त्य कहते हैं रामेश्वर की शिवलिंग की स्थापना करते समय, हे राम, रावण को जीतना उतना आसान नहीं है। रावण ने
वर प्राप्त किया है ब्रह्मा जी से। ये कहते हुए कि संसार के एक स्वतंत्र व किन्नर विषय सारे अमृत और अस्त्र शस्त्र इन सारी चीजों से भी मेरी मृत्यु ना हो। इतने नाम सर्प विच्छु सारे विषारे जानवर सारे विषारे तत्व इन सारी से मेरी मेरी मृत्यु ना हो। वो देवताओं का नाम लिया सभी का लिया लेकिन लेते लेते ये भूल गया नर और वानर का नाम भूल गया। नर और वानर बाद में ये सब बनने के जब वापस आ रहा था तो पत्नी मंदोदरी ने कहा अरे आप नर और वानर का नाम नहीं लिया। बोले देवता यक्षगंधर्व भी मेरा नहीं बिगाड़ सकते तो नर और वानर क्या बिगाड़ सकते हैं। रावण का ये कहना था लेकिन बिगाड़ा उन्होंने हमारा वर मांग के समय कुछ न कुछ पहले पहले विचार करके मांगना चाहिए। नर और वानरों ने ही रामचंद्र जी को बिगाड़ा रावण जी को बिगाड़ा रामचंद्र जी की सहायता की। हम पूछते समय वर की प्राप्ति के लिए हमें पूछना ही नहीं आता। दूसरी बात यह है कि हम दशमाविद्याओं के बारे में देखते हैं या दशमाविद्याओं के बारे में सोचते हैं तो बहुत सारे लोगों की धारणा रही है बगलामुखी बोलते उसको याद आ जाता है कि वो जीव खींचने वाले हाथ में पकड़कर अपना तलवार खड़ी लिए खड़ी हुई है और वो बगलामुखी देवता है ऐसा बता रहे। लेकिन कभी उसको मूर्ति रूप इसलिए दिया गया कि तुम शास्त्रों को पहले सीखने से पहले हम पहले पहले ही समाज तत्व में पहले पैदा होकर समाज तत्व तो नहीं गए हमें पहले आई डी सिखाई गई एबीसीडी सिखाई गई हम सीखे एबीसीडी उसके बाद पढ़ते गए उसके बाद एक स्टेज पे आने के बाद हम तभी हमें आई भूल जाना पड़ता है। अगर आप सभी यहाँ पी एच डी के अगर कोई अच्छे व्यक्ति तो हो और मैं पूछूं कि जरा आई बारह खंड लिखे तो आप गुरु जी उस जमाने में लिखे थे अभी आप आई बोले तो हम ना से बोलेंगे है पी एच डी पढ़ा हुआ पी एच डी है अगर उसको करेक्ट बारह खंड लिखने के लिए बोलो तो सोच में पड़ जाता है कि मैं कहाँ भूल तो न जाऊं क्योंकि उसके एक स्टेज बदल गई वो सोचने का विधान उसका बदला है और वो उस सीढ़ी से पार कर गया है। उसी प्रकार दशमाविद्याओं के बारे में जब हम सोचते हैं तो दशमाविद्याएं मूर्ति रूप नहीं है। माँ काली को हम देखा जाए तो माँ काली वह है कि हे काल महाकाल को महाकाल कह रहे हैं कई का है। आप सभी लोग मेरे पास या किसी के पास भी जाते हैं गुरु जी मेरा ये जन्म का जन्म कुंडली है ये देखो मेरा मूर्त ये है तो वो काल है वो तुम्हारा काल बता के जन्म कुंडली पे से तुम्हारी ये नक्षत्र थे ये राशि थी तुम्हारा जन्म नक्षत्र फल ऐसा है वो बताता है। लेकिन काली एक महत्व ऐसे उसने कहा कि मैंने काल को नीचे डाला है और मैं उसके ऊपर खड़ी हूँ जो मुझे मेरी आराधना करता है जो मुझे पहचानता है उसको जन्म कुंडली काम नहीं करती उसमें जन्म कुंडली में कोई बुरा भी लिखा हुआ हो तो उसको अच्छा बनाने का कर्तव्य मैं सिखाती हूँ मैं काली हूँ मैंने महाकाल को नीचे उतरा नीचे डाला उसकी जन्म कुंडली मेरी आराधना करने वाले के सामने जन्म कुंडली काम नहीं करती ये काली का तत्व है। ये कितने लोगों को पता है कि महाकाली क्या है वो श्मशान वासिनी उसने अपने अपने गले में मुंड माला डाली है उन सारे विचारों को कि तुम जिस विचारों में बंधे हो उससे उन्मुक्त हो जाओ उससे मुक्त हो जाओ मैं काल को भी निकलने वाली तुम उस काल से हटकर आ जाओ मैं महाकाली बनकर तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारे सारे नसीब में लिखे हुए अगर तुम्हारे नसीब में दुर्मूर्ति या दुष्टता भी लिखी हुई हो तुम्हारी खराबी भी लिखी हो उस खराब को मैं बदलती हूँ तुम्हारे जन्म के लिखे हुए उस अक्षरों को भी मैं बदल देकर तुम्हारा जन्म सिद्ध कर देती हूँ अगर तुम मेरी आराधना करते हो। उसी तरह तारा का मतलब होता है तारा का मतलब वो नहीं कि तो नीचे खड़ी हुई किसी पुरुष को डालकर उसके ऊपर खड़ी हुई तारा है जिसके हाथ में कैंची रखी हुई है उसके तत्व को हम नहीं जानते तो तारा वह है कि तुम्हारे संसार में लिखने वाले आकाश विद्या को बताने वाली तारा है। तारा को हम अगर ये कह दें कि तारा एक रूप धारण करी हुई है कि हमारे को एक इनिशियल स्टेज में जैसे ए बी सी डी लिखने के लिए हमें ज्ञान पुस्तक पढ़ने के लिए ए बी सी डी का ज्ञान होता है उस तरह एक रूप दिया गया है। अगर हम उसी प्रकार भुवनेश्वरी के बारे में आए तो हमारा भुवनों को बनाना जिसे सिविल इंजीनियरिंग कहा गया है वो भुवनेश्वरी महाविद्या है इसे महाविद्या क्यों कहा गया केवल मूर्ति क्यों नहीं कही काली को महाविद्या कहा गया है तारा को महाविद्या कहा गया है भुवनेश्वरी को महाविद्या कहा गया है बगलामुखी को महाविद्या बगलामुखी का मतलब होता है स्तंभन करना तुम्हारे ऊपर आने वाले आपदाओं को रोक सकना चाहे तुम्हारे ऊपर तूफान संकट आ रहा हो उसको रोक सकने की शक्ति बगलामुखी में है उसे स्तंभन विद्या कहा गया है। उसी तरह अगर षोड़शी त्रिभुजी की साधना कहो तो तुम्हारे में षोड़श कलाओं का त्रिपुरों के साथ तुम्हारे त्रिपुर कौन से हैं तुम्हारा त्रिपुर है मन बुद्धि और चित्त ये तीन ही अपने को बिगाड़ने वाले हैं। जो षोड़शी त्रिभुजी की साधना करता है इन तीनों को अच्छा करने वाली साधना इन चीजों को अपने मन को अच्छा करना अपने बुद्धि को अच्छा करना और अपने चित्त को अच्छे करने वाली साधना षोड़शी त्रिपुर सुंदरी साधना का ये हमारे शरीर में त्रिपुर है मन बुद्धि और चित्त यही बिगाड़ते हैं हमारे कभी कभी भी और यह बिगाड़ते हुए हमें कहते हैं कि हमारा
जीवन क्या है। एक मन कहता है कि गुरु जी के पास जाओ, बुद्धि कहती है इतने पास इतने साल के गुरु जी के पास क्या हुआ यार, तू भी मत जा। मन कहता है कि गुरु जी महान होते हैं, उनकी सेवा करना, ऐसा शास्त्र कहता है जाओ। बुद्धि कहते हैं जाके किसका उद्धार हुआ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन इन दोनों पे भी चित्त आकर बैठता है। चित्त कहता है अरे मूर्ख, किसने जीवन दिया, कौन कहाँ जाने वाले, तू जा। जब ये तीनों एक ही जगह होकर एक मार्ग पर चलते हैं तो हम गुरु के पास जाते हैं, और जब तीनों में द्वंद होता है तो हम गुरु के पास या तो लेट जाते हैं या तो समय होने के बाद जाते हैं, तब तक हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। ये तीनों चित्त हमारे उसने छोटे से त्रिभुवन सुंदर की साधना करनी चाहिए, ये महाविद्या है। उसी प्रकार त्रिपुर भैरवी है। इस संसार में हमें भय जितना भी संसार को भय देता है, उस भय से मुक्त करने वाली त्रिपुर भैरवी कहा गई हमारे त्रिपुर भैरवी को। कि अगर बहुत सारे लोग हैं गुरुचारण पहले तो क्या समझेंगे यार, लोग जाने वाले सारा मंत्र करता है, वो भय से गुरुचारण नहीं पहनता, गरीब नहीं पहनता, छुपा के आता है बाहर या आने के बाद गुरु के सामने गुरुचारण पहन लेता है। क्यों? क्योंकि उसको बाहर कोई ना कह रहे कि भाई ये मंत्र करता है, उसको फैलेगा। और घरेले के साथ जो गुरु के साथ रहता है, मैं गुरु का शिष्य हूँ, डाल लेके जा रहा हूँ, तुझे जो बोलना है वो भय। पत्नी अगर गुस्से वाली रही तो मंत्र जब करते रही तो माला छुपा के रख लेता है, कहीं झाड़ के जाके जब करके आता है, पत्नी गालियां देती है, करीब नौकरी करनी है, माला जब तक बैठना है, पैसा खर्च आएगा, पास खत्म। वहां से वो पत्नी के डर से अपनी माला छुपा के ले जा करके आता है। ये उसका ढंग, उसका मन चित्त बुद्धि को कंट्रोल करने वाली बीवी पत्नी है, गुरु नहीं कर रहा है, वो भय बैठा हुआ। पुत्र को नहीं करने देते, मित्र नहीं करने देते, गली वाले नहीं करने देते। इन भयों से व्याप्त हम अगर इससे भय से छूटना चाहते हैं तो त्रिपुर भैरवी की साधना करनी चाहिए। धूमावती वो साधना है जो इस संसार में इतने गैसेस हैं, इतने वायु है, उन वायुओं पर हम कंट्रोल कर लें, उस वायुओं का ज्ञान देने वाली को धूमावती महाविद्या कहते हैं। कमला महाविद्या इसका है कि तुम कीचड़ में फंसे हुए कमल में किस तरह आओ, सारे देवताएं तुम्हारे कमल में वास करने वाले हैं, ये संसार रूपी कीचड़ से तुम किस प्रकार बाहर आओगे, उस विद्या को बताने वाली विद्या को कमला महाविद्या कहते हैं। मातंगी का अर्थ है कि तुम्हारे शरीर को अंदर से बाहर से किस प्रकार माता अपने अंगों से किस प्रकार पुत्र को निकालकर शुद्ध करती है, उस प्रकार सिद्ध करने वाली, शुद्ध करने वाली महाविद्या को मातंगी महाविद्या कहा है। अब इस महाविद्याओं को आप एक रूप डालकर आराधना करेंगे तो आपको सिद्धि कभी नहीं मिलेगी, उसके तत्व को जानकर करेंगे तो आपको सिद्धि जरूर मिलेगी। इसी प्रकार जब अभिष्ट महर्षि श्री रामचंद्र जी को बता रहे थे कि हे राम, तुम जिस रावण के लिए युद्ध करने जा रहा है वह रावण सर्वसिद्ध है, उसके पास प्रचंड कालिका है, उसको कोई हरा नहीं सकता और वर प्राप्त है, उसके उस वर को कोई हरा नहीं सकता। अब तुझे करना है तो उसके दुर्ग को, दुर्गे में उसके किले को अगर तोड़ना है तो विजय दुर्ग की साधना, विजय दुर्गा की साधना कर। और रामचंद्र जी को अगस्त्य महर्षि ने कहा था कि तू रोज 1000 कमल माता दुर्गा को एक विशिष्ट मंत्र के साथ चढ़ाते जा, और इसका 11 दिन तक तू साधना कर, 12वें दिन माता प्रसन्न होकर तुझे विजय प्रदान करेगी। और रामचंद्र जी अपनी साधना आरम्भ करके और कमल के फूलों को लाने का काम हनुमान जी को दिया गया। हनुमान जी रोज 1000 कमल लाके रामचंद्र जी को देते और रामचंद्र जी रोज उस मंत्रों के साथ माता दुर्गा को चढ़ाते। लेकिन हुआ क्या, आपको 11वें दिन ये रावण को पता चल गया कि रामचंद्र जी दुर्गा साधना कर रहे हैं, अगर वो साधना पूर्ण हो जाए मैं हार ही जाऊंगा। और उस दिन रामचंद्र जी ने राजे दिन हनुमान जी लाने के लिए कमल फूल लाने के लिए गए तो 1000 फूल लाते लाते रावण ने अपने भाई अभिराम को जाकर कहा कि तू किसी भी प्रकार से उसमें से फूल गायब कर दे, अगर वो 1000 फूलों की साधना महादुर्गा की पूर्ण हुई तो हम हार जाएंगे, तो ये उस साधना को रामचंद्र जी को करने नहीं देना है। तो रावण वहां माया के साथ गया और उसने देखा कि 1000 फूलों को 999 फूल चढ़े और रामचंद्र जी देख रहे तो एक फूल कम पड़े और उस एक फूल को कम पड़ने से वो साधना खंडित हो जाती और साधना पूर्ण नहीं होगी। रामचंद्र जी को 11वें दिन 999 फूल हो गए, एक फूल कमी के कारण दुर्गा प्रसन्न नहीं होगी, 11वें की साधना चले जाएगी, मुझे रावण को मारना है, मेरी गति क्या होगी। रामचंद्र एक बार अपने गुरु अगस्त विश्वामित्र को याद करते हुए कहा कि यह क्या मेरी परीक्षा है प्रभु, एक कमल का फूल कम पड़ रहा है। उस समय हनुमान की पूजा करते समय वो बाहर खड़े होते थे, अंदर नहीं आते थे, हनुमान जी को पुकार रहे तो हनुमान जी भी नहीं आ रहे और एक कमल का फूल तो कम पड़ गया। रामचंद्र जी के आंखों से आंसू आ गए कि अब ये साधना खंडित हो गई, मुझे दुर्गा प्रसन्न नहीं होगी, मैं राम के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। तो उन्हें अपने माँ की बात याद आई, माँ कहती थी कि हे राजीव लोचन, हे कमल नयन राम, मैं तुझे कितने प्यार से देखती हूँ, दर्शक भी कहा करते थे उनके नयन कमलों के भांति थे। तो रामचंद्र जी को लगा अपने माँ की बात याद आ गई, बोले माँ कहती थी कि मेरे नयन कमल नयन है,
तो क्यों ना मैं माता के चरण में मेरा कमल मैं यह नहीं अर्पण कर दूं। और उन्हें बाण निकाल कर अपना आंख जैसा ही खोलने के लिए निकाला, माता दुर्गा प्रसन्न हो गई, राम मैत्री पर प्रसन्न हो गई, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं, तो आज से विजय हो गया। ये साधना का विधान है, अपने आप को समर्पित करने के लिए। रामचंद्र जी जैसे देवता को ही परीक्षा होती है, तो आपको भी परीक्षा होती है, आपके जीवन में परीक्षा है। और जो परीक्षा में पास हुआ वो श्रेष्ठ कहलाए, वो परीक्षा में पास हुआ वो सिद्ध कहलाए। और हम ये परीक्षा देते देते फेल हो जाते, हम परीक्षा करके करके फेल हो जाते। बहुत सारे लोगों को मैं साधना कहता हूँ, भाई एक समय भोजन कर लो और आप दूध पीकर साधना कर लो। गुरु जी एक समय भोजन के लिए दूसरे समय कोई फलहार देकर नहीं चलता है, पहले वहां से आरम्भ होता है। अरे झाड़ के पेड़ के नीचे बैठ के आपको अपने बिस्तर पर नहीं नीचे सोना है, तो गुरु जी नीचे गद्दा डाल ले सकते हैं ना। अरे गद्दा नहीं, भाई जिन्हें कोई चटाई पे सोना है तो वहां से पूछेगा, चटाई डाले तो चल सकता है क्या? सर के नीचे अगर कोई पिल्लो रखिए तो चल सकता है क्या? उसको यहाँ के अपनी कंफर्टेबिलिटी में कहाँ गलती होगी, तो नींद नहीं आएगी, गुरु जी कहाँ से साधना करो? अब वो वहां से पूछेगा कि फलाहार ले सकता है, तो गुरु जी दूध पी सकते हैं क्या दो बार? गुरु जी दूध लेकर चाय पी सकते हैं क्या? अब गुरु कैसा छोड़ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ एक समय पहले भोजन कर लेंगे तो साधना करो। अब वो एक के बाद एक पूछा, एक के बाद एक पूछना शुरू कर देता। गुरु जी ऐसा हुआ कि घर में कोई लोग आ गए तो फिर मैं खाना खा सकता हूँ क्या? अरे घर में लोग आए तो मेरे साधना को घर में खाना खाने को क्या लेना देना है? नहीं गुरु जी वो अपने साथ आते हैं। अब उसको एक जंक्शन दे देते गुरु तंग आकर कहता है कि साधना मत कर, मैं कर लेता हूँ, इनको साधना मत कर, खुश हूँ। हमारी साधना करने की स्थिति इस स्तर तक नीचे गिर गई। साधना बोलना ही उसको अपने लिए संकटदायक है। गुरु जी मंत्र बहुत बड़ा है, गुरु जी इसको छोटा नहीं बना सकते क्या? इतना बड़ा मंत्र बोलते मैं नहीं कर सकता, यहाँ से आरंभ होता है। अब गुरु क्या करें, मंत्र है ही, अगर मैं तुम्हें तुम्हारा नाम है परशुराम तो मैं बुलाऊं राम तो आएंगे आप? नहीं आएंगे, परशुराम बुलाए तो ही आएंगे, लेकिन आप क्या करें उसको साठ शाम को भी बुला दें। अब राम को तो चिंकी पिंकी तो नहीं बुला सकते, अब रामचंद्र जी आएंगे उनको उसी नाम से बुलाना हो। अब मंत्र को छोटा करोगे तो सिद्धि कहाँ से मिलेगी? कहाँ से आएंगे कि तुम्हारे पुकारो सुने और वो देवता तुम्हारे पास आए? ऐसा हो ही नहीं सकता। और हम इन सारी चीजों को गुरु को साधना करने से पहले पूछने लगते हैं ये सारी चीजें। मैं बोला अरे अखंड दिया लगाओ गुरु जी, ऐसा नहीं हो सकता कि जब करे दीप रह गया बाद में फोन देखता गुरु जी मैं ऑफिस चले जाता हूँ, बीवी नहीं देखती, अखंड दिया जलेगा कैसा? अब वो क्या परेशानी, गुरु आता तो अखंड दिया नहीं देखता, उसकी परेशानी को गुरु कैसे दूर करे? अखंड दिया तो लगाना उसमें लगा हुआ है। साधना आरंभ करने से पहले ही हमारे में ये सारी चीजें आरंभ होती है। परीक्षा तो दूर की बात है, देवता प्रसन्न होने की बात दूर की है।